Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So guys, another Sunday and another video. So हम ready हो रहे हैं मेरे घर के पास और मेरे पीछे खड़ा है अपना मेरे आसपास के घर का फ्रेंड्स का लाइनअप. तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कौन कौन सी बाइक्स हैं. Guys, starting with the Z900, मेरी Z900 खड़ी है. एक है डेटोना हार्दिक की और दो ब्लैक S1000 RR, एक कृष्णा की और एक नितिन की, और पीछे है डुकाटी की, शिवम की डुकाटी. सुन रहे होंगे तीसरी बाइक भी आ गई है गाइस, वो पांचवी बाइक भी आ गई है बेनेली, अर्जुन आने वाला है. तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाइक वार्म अप करते हैं और मिलते हैं आपको आज की वीडियो में. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. अनदर संडे अनदर वीडियो गाइस. सो गाइस, जीनों से हो गई है वार्म अप, सब लोग हो गए हैं रेडी. तो यहाँ से निकलते हैं, आज जाएंगे हम अगेन KMP ऑब्वियसली, बिकॉज MX पे एंट्री है नहीं सुपर बाइक्स की. और अपना जो मूर्सल का हाईवे है उस पर बैठे हैं अपने प्यारे फार्मर्स. तो वहाँ पर बसता है एक ही रूट बैक टू बैक KMP. सो गाइस, सब लोग चल रहे हैं रेडी. क्या हाँ, वहीं करेंगे MSP पे. सो गाइस, ये आइडेंटिकल सी दो S1000 ब्लैक लग रही है, अमेजिंग. नितिन की बाइक में लगा हुआ है एक्रा फुल सिस्टम और कृष्णा की बाइक में लगने वाला है नया एग्जॉस्ट. मैं नहीं बताऊंगा कौन सा, लेकिन ऑलमोस्ट इन अ वीक और टू नया एग्जॉस्ट आ जाएगा कृष्णा का. और ये हार्दिक की नई बाइक इसने ली है, शायद दो दिन पहले मैंने अपने फ्रेंड से दिलवाई है हार्दिक को. डेटोना 675 2017 मॉडल. तो गाइस जल्दी चलते हैं, आज लाइनअप अच्छा होने वाला है. ऑलमोस्ट हैं 20+ बाइक्स हैं आज भी, वेदर भी अच्छा है. कल बारिश हुई थी सो आज उम्मीद नहीं है बारिश की. तो लेट्स गो. सो गाइस, वैसे तो आई एम राइडिंग सिंस 2015 और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता ही होगा कि मैं हमेशा से फेयरिंग बाइक ही चलाता था. और जैसे स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहली बाइक रखी ह्यूसोंग 615 2015, फिर मैंने 2017 में ली डेटोना 675, फिर उसके बाद मैंने परचेज की अप्रीलिया RS V4, देन आई स्विच टू ZX10R, देन डुकाडी 9595 निकाले. तो स्टार्टिंग से सारी बाइक मेरी फेयरिंग रही है. सो स्पीकिंग अबाउट द Z900, दिस इज़ माई फर्स्ट नेकेड बाइक जिसको मैं राइड पे ले जा रहा हूँ आज. मेरे को मतलब वैसे मैंने काफ़ी नेकेड बाइक चलाई हैं, लेकिन ओन करके दिस विल बी माई फर्स्ट नेकेड बाइक जो आज मैं राइड पे लेके जा रहा हूँ. और जल्दी से हम बाकी राइडर से मिलते हैं और आपको बाकी की वीडियो दिखाते हैं. स्टे ट्यून्ड गाइस. सो गाइस, देव पासी इज जॉइनिंग अस फॉर द राइड विद दिस प्राइम स्ट्रीट ट्रिपल RS, वन ब्यूटीफुल मशीन. और यहाँ से हम निकलेंगे सीधा MB एंड स्टोल, एंड लेट्स सी रास्ते में हमें मिलता है कौन कौन. Let's go, boys! भाई, नेकेड बाइक जो है ये सिटी में राइडिंग इज लाइक क्रेजी. और इस माधव चौथ को देख लो, इसने क्या राइड काटा है. मतलब इंडिकेटर तो बैंच पता नहीं किस लिए होते हैं. भाई ने मस्त एकदम इसका मन किया, ट्रक राइट काट रहे इसने काट दिया. मतलब तो ये भी अपने दिमाग में सुपर बाइक ही चला रहा है सीरियसली. तो गाइस, हम बात कर रहे थे स्ट्रीट जो अपने नेकेड बाइक है, दिस सो फन टू राइड बाइक. मतलब ना कोई पोस्चर, मतलब एकदम इजी पावर डिलीवरी, इतनी क्विक है. बस वही है अपना एक्सप्रेस वे पे जाने के बाद थोड़ा विंड प्रेशर पड़ता है चेस्ट पे,
and this bike cannot go like other bikes 299 obviously. So city riding ke liye I would recommend ki street bike is the best bike. Not Harleys, but bikes like Z900, Z1000, all the high power naked bikes are really amazing to ride for the city and NCR if you're not going to the expressway. Agar expressway bhi jaate ho, toh it's quite fine till 210 and 220, but hitting the mark of 250 on these bikes is like very very annoying and risky as well. So gare guys apne bhaga rahe bike to hum bhi bhagate hue. Let's get them a free flow. So guys, the power delivery है इस bike की crazy. और अभी तो इसमें stock map डाला हुआ है. अगर ये बाइक मैं लंबी रखूँगा तो डेफिनेटली जो अपना ECU है वो मैं हेक्स कोड से रीमैप कराऊँगा स्टेज 3. मेरी बाकी बाइक्स भी वहीं से रीमैप हुई हैं. तो जो पावर डिलीवरी का बैंड है वो क्रेजी वाला बढ़ जाता है और बाइक ऑटोमेटिकली फर्स्ट गियर में व्हीलीज मारती है गाइस. लिटरली मतलब आप मारना भी ना चाहते हो तो जस्ट पुल द थ्रॉटल एंड द बाइक गोज लाइक क्रेजी बॉयज. एक्सप्रेसवे पे BMW पे मिलूंगा मैं आपको. एक्सप्रेसवे पे BMW पे मिलूंगा. मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ एक्सप्रेसवे तक चलाऊंगा, फिर BMW ले लूंगा. मैं वही मिलेगा आपको. चलो चलो, नितिन नहीं आया? नितिन ना वो आगे चला के पेट्रोल डला रहा है. हम अभी आगे, हम हां तो वो दो ना जी, मेरे को दे दो. हां एरो मेरे को दे दो. और के बैटरी पूछने वाले, वापस करना मुझे आज, वापस करना. हां दे दो एरो, मैं ले लूंगा. उसके बाद वापस मंगा देता हूं मैं. केएमपी केएमपी केएमपी, चलो भाई. ओ वा 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 वा. काफ़ी बाइकर्स आ रहे हैं KMP पे. आई हैव सीन द ब्रोज ग्रुप, कुछ सम राइडर्स ऑफ ब्रोज ग्रुप एंड द वाइल्ड विंग राइडर्स. और हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ भी आज 20 प्लस है. तो काफ़ी राइडर्स हैं आज इस रूट पे NH8 पे. लेट्स गो टुवर्ड्स एम्बिएंस टोल. Finally guys, we have reached the first meeting point of our ride.
the ambience toll. And as you can see, काफी सारे bikers खड़े हैं on my left. But अपना lineup कहाँ है? Where all the RPM bikers? There we go. अपना lineup start होता है left से. So the 2.0 group RPM chapter, Delhi chapter is also riding towards the KMP. अभी काफ़ी कम लोग आए हैं. द लिस्ट वॉज लाइक 22. नो डाउट मेरी वो जो 12-13 दिन ना उससे बहुत बेटर है चलने. अच्छा ये एक बार चलाओ. अच्छा उससे बहुत बेटर है चलने. अरे एग्जॉस्ट की वजह से हो? नहीं यार इतना फ्लो थोड़ी आ जाएगा एग्जॉस्ट में. एरो इज लाइक स्टॉक. ये फ्री फ्लो एग्जॉस्ट हमेशा बेटर होता है चलने में. हमेशा बहुत बेटर होता है. ऐसी भैया इतनी बढ़िया पिकअप लगा रही है. और एक बात तो मेरे को पता नहीं कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता था. हां टायर भी एकदम नए हैं, ब्रांड न्यू है. क्या ले भैया? आओ जी हाड़ी जी मुबारक पीते रहेंगे. क्या ले? बढ़िया जी. So guys, ये खड़ा है अपना यूट्यूबर अक्षय सपरा. क्या हाल है अक्षय सपरा भाई के? मोहित भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So guys, बाइक खड़ी है Z900 स्टार्ट करें तो BMWs एंड ऑल द अदर बाइक्स.